तो अभी हम देख रहे हैं कि मंथली पेरोल शीट पे वैसे तमाम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है वो एक शीट पे कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद एक एक सैलरी स्लिप हमें कैसे बनानी, उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सब किया इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, और यहाँ पे इसके डॉलर लगा दिया और इसके यहाँ पे एक डॉलर लगा दिया, एक का कॉलम फिक्स कर दिया और एक की रो को फिक्स कर दिया। इसके बाद यहाँ से हमने इसको जूम किया, क्लिक किया, यहाँ से इसको हमने ड्रैग किया यहाँ तक। अब यहाँ पर जब ड्रैग कर दिया तो उसके बाद इसको ड्रैग करके हम नीचे भी ले आए, और ड्रैग करके सारा का सारा ही सॉल्व हो गया। अब सॉल्व होने के बाद हमारे सामने जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनमें यस नो के फीचर्स को भी देखते हैं, ये वैल्यूज़ जो लिखी आ रही है इनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे अलाउंसेस को यहाँ टोटल कर लिया और यहाँ पे टोटल सैलरी के लिए सम किया, और यहाँ से बेसिक सैलरी को प्लस करके टोटल अलाउंस के साथ प्लस करके यहाँ रख दिया। अब उसके बाद यहाँ क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये भी ड्रैग हो गया और यहाँ पे ये भी ड्रैग हो गया। फिर इसके बाद क्या किया, इन तीनों को यहाँ से सम करके यहाँ पे टोटल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सम किया और जो टोटल सैलरी है उसमें से माइनस कर दिया डिडक्शंस को और एंटर कर दिया, और यहाँ से इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ले लिया। अब ये तो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इसकी हर एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक सैलरी स्लिप बना के रखी हुई है, और आपको समझाने के लिए भी मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई है जिसमें सारे अलाउंसेस का जिक्र किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास चार अलाउंसेस हैं और यहाँ पे जिक्र किया गया है तीन अलाउंसेस का, चौथे अलाउंस का जिक्र नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और चौथे एक रो और ऐड करा देंगे, और यहाँ पे जाके चौथे अलाउंस का भी जिक्र कर देंगे। जैसे चौथा अलाउंस जो है हमारा है मेडिकल एजुकेशन ट्रेवल हाउस रेंट, तो मेडिकल का भी नहीं आ रहा, मेडिकल एजुकेशन हाउस रेंट, तो मेडिकल वाला ऊपर ऐड होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक मेडिकल वाला भी ऐड करा लेते हैं, और उसकी वैल्यू जो है क्या है वहाँ से देख लें, 25% है, तो वो 25% आप यहाँ पे इंटर कर देंगे 25%, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए टोटल अलाउंस, टोटल सैलरी, और डिडक्शंस में कितनी चीज़ें हैं आपके पास। डिडक्शन में आपके पास एक दो तीन चीज़ें हैं जिनका टोटल आ रहा है, तो ईओवीआई टैक्स और लोन है, तो यहाँ पर भी आपने ले लिया ईओवीआई टैक्स और लोन, और यहाँ पे टोटल डिडक्शन का अमाउंट और नेट सैलरी यहाँ पे ले ली। इसको फॉर्मेट को मैंने यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दिया है, और यहाँ से सीरियल नंबर को मैंने डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, ठीक है। ये पहले एक आपने डिज़ाइन बना लेना है, ये पूरा इस तरह से एक फॉर्मेट बना लें। सैलरी स्लिप का डिज़ाइन कुछ और भी हो सकता है, जो भी हो पहले आप उसका एक डिज़ाइन यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर बना के रख लें। ये स्ट्रक्चर आपके सामने रेडी है। अब हमारा मोटिव ये है कि हम डेटा फेच करेंगे, क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे। अब जो फेच करेंगे वो इस वाली शीट से डेटा फेच करेंगे, जो फेच करेंगे वो करेंगे बाय सीरियल नंबर, बाय सीरियल नंबर। तो बाय सीरियल नंबर डेटा फेच यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले इसका आपको पढ़ने के लिए इस सेल पे क्लिक करेंगे और इसका जो भी नाम होगा उसको हम चेंज करके एक नाम दे देंगे। तो अभी फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी पहले नाम दिया था सीरियल नंबर, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। फॉर्मूला नेम मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ से SNO उन्होंने नाम दे रखा है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब मुझे पता चलेगा कि इस सेल का नाम क्या था, इस सेल का नाम है B4, क्या नाम है। तो अब इसको एक नाम दे देता हूँ नेम मैनेजर से, अगेन डिफाइन नेम में मैंने इसका नाम दे दिया SNO, विदाउट लेटर विदाउट नंबर एक नाम दे दिया मैंने इसको, ओके सही है। अब डेटा जो फेच करना है, उस फेच करने में क्या है कि हमने यहाँ पे एक सीरियल नंबर पुट करना है जो इसमें से किसी एक का होना चाहिए। जैसे वन नंबर डाल देते हैं, ये वाला सीरियल नंबर हम यहाँ पे पहले एक लिख लेते हैं, ये हमने सीरियल नंबर यहाँ पे लिख लिया, इसके मुताबिक डेटा यहाँ लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे टेबल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में इसका एक नाम रखेंगे, क्या रखें, सपोज टू बी हमने इसका नाम रख लिया डेटा EMP, डेटा EMP विदाउट नेम विदाउट नंबर इसका नाम रखना, ओके कर दिया। अब उसके बाद यहाँ सिंगल पे आए और यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपने लुकअप एंड रेफरेंस में गए और यहाँ पे जाके आपने वर्टिकल लुकअप को ऑन किया, तो ये इट विल आस्क यू के भाई क्या करना है, तो आपने कहा भाई इस वैल्यू को लुकअप करो, तो उसने पूछा भाई लुकअप तो मैं करूँगा लेकिन कहाँ पे किस तरह से करूँ, तो आपने कहा इसको टेबल एरे से करो जिसका नाम है EMP डेटा EMP, तो डेटा EMP को हमने यहाँ पे ले लिया ये, ठीक है। तो कह रहा है भाई इसके अगर मैं लुकअप करूंगा तो पहले कॉलम में करूंगा, जब ये वैल्यू मैच हो जाए तो आपको रिजल्ट कौन से कॉलम से दूं, मैंने कहा भाई दूसरे कॉलम से रिजल्ट दो, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो देखिए ये पहले वाले के अगेंस्ट में यहाँ से इसका नाम ले आया जिसका नाम है मोहम्मद वकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, पहले यहाँ 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 5 लिखेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब बाकी रह जाता है सवाल नीचे वाले सेल्स का, तो एक दफ़ा फिर से ये फार्मूले को लगा लें। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे लुकअप एंड रेफरेंस पे, वर्टिकल लुकअप को लगाएंगे और कहेंगे इस सेल को रेफरेंस करो, टेबल एरे में जाके उसी को डेटा EMP को लुकअप करो, और करने के बाद उसके अब दूसरे कॉलम से तो डेटा ले लिया, अब तीसरे कॉलम से डेटा लेके मुझे यहाँ दे दो, तो ये 15,000 जो उसकी बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर आपकी रिट्रीव हो जाएगी, जबकि 15,000 नहीं है बल्कि ये 12,000 आ रही है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 आ रही है,
अच्छा फिफ्थ का, ठीक है ओके, वन करेंगे तो ये 12,000 ही आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट की सैलरी आपके सामने, फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पे एक मसला है, तो बार बार फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करें चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि आप इसके लिए एक फंक्शन यूज कर लें जिसका नाम है रो, आर ओ डब्ल्यू। रो फंक्शन क्या करता है, सिंपली इस फंक्शन को जहां भी सेल पे आप लगाएंगे ओके करेंगे तो ये लोकेट करेगा उसकी रो नंबर को, यानी कि ये वाला रो नंबर, जो भी रो नंबर होगा वो आपको नंबर रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को आप ऊपर की तरफ ड्रैग करें, नीचे की तरफ ड्रैग करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो रो नंबर ही रिटर्न करना है। यही फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पर, अपने फॉर्मूले को एडिट करना है। एडिट करने के बाद फॉर्मूला जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने कॉलम नंबर 3 लिखा है तो कॉलम नंबर 3 का डेटा ला रहा है। अगर आप देखें तो SNO यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब इसको आप ड्रैग करेंगे चेंज नहीं होगा। डेटा EMB भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसको भी ड्रैग करेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये चेंज होगा, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये सेम रहेगा। चेक कर लेते, तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको ड्रैग किया तो देखें सब जगह पे 3 3 रिपीट हो रहा है, फिर हमें बार बार 4 5 6 7 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर एडिशनली यूज कर लेंगे रो फंक्शन को। कैसे करेंगे, फॉर्मूले को एडिट करेंगे, जहाँ 3 लिखा है वहाँ मिटा देंगे और कॉमा के बाद एक फंक्शन टाइप करेंगे रो और उसके 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो इक्वल लगाने की जरूरत नहीं होती, हाँ 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत होती है, लेकिन जैसे आप इंटर करेंगे तो रो फंक्शन आपको वहाँ पे एक नंबर देगा 6 और आपके पास जो डेटा आपको रिक्वायर्ड था कौन से कॉलम का, 3 कॉलम की जगह पर आ जाएगा 6 कॉलम का डेटा। सही है, कौन से कॉलम का डेटा आ जाएगा, 6 कॉलम का डेटा आ जाएगा। और हमें कौन से कॉलम का डेटा रिक्वायर्ड है, 3rd कॉलम का, तो 3rd कॉलम का डेटा रिक्वायर्ड है और ये हमें दे रहा है 6 कॉलम का डेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले को एडिट करेंगे और इस रो फंक्शन के बाद इस जगह पर एक माइनस लगाएंगे, तो कितने नंबर इसमें से माइनस करें कि हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा, तो 3 नंबर ही माइनस करेंगे और एंटर करेंगे तो 3, 6 माइनस 3, 3 आ गया। और उसके बाद जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे, सॉरी, तो ऑलवेज वो 3 माइनस करता रहेगा और सारा डेटा हमें यहाँ पे लाके वो दे देगा। ये देखिए, देखें यहाँ पर 7 माइनस 3, 4 कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3, 5 कॉलम का डेटा। तो इस तरीके से आपको बार बार फॉर्मूले को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सारा डेटा वहाँ से पूरा फैच करके ले आएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, बैठे सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे 1 तो 1 का डेटा, 2 लिखेंगे तो 2 का डेटा, 3 लिखेंगे तो 3 का डेटा, 4 लिखेंगे 4 का डेटा, 5 लिखेंगे 5 का डेटा, यहाँ पर आपको नजर आने लग जाएगा। मजीद भी डेटा डालेंगे तो वो आप यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको मिसाल के तौर पे प्रिंट करना चाहते हैं जिस एम्प्लॉय का है ये, तो उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ से करेंगे सेट प्रिंट एरिया और फाइल में जाके जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी पे स्लिप इसकी आपको यहाँ नजर आ रही है। और जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो सिर्फ इसी एम्प्लॉय की पे स्लिप प्रिंट होगी। ये 2 पेजेस में डिवाइड हो गया है, आई थिंक सो। इसको कर लेते हैं पोर्ट्रेट, सही सेलेक्ट नहीं हुआ, आई थिंक सो। दोबारा करते हैं इसको सेट प्रिंट एरिया और पेपर कौन सा सेट हुआ है, लेटर, नॉर्मल।